तो ये कहानी है एक ऐसे दिन की जिस दिन मैं एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ तकरीबन धो बैठा था। तो शुरू से शुरू करते हैं। हम हैं मीत, आनी और इनाया, एक फुल टाइम ट्रेवल फैमिली, और तकरीबन पिछले 3 सालों से हम लोग मुसलसल ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने इन 3 सालों के सफर में हमने तरह तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत खूबसूरत और प्यारी और मीठी यादें मेमोरीज समेटी हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हम लोग मौजूद थे इंडोनेशिया के सबसे फेमस और पॉपुलर आइलैंड पे जिसका नाम है बाली। तो बाली में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद आज हम लोग रुख कर रहे हैं इंडोनेशिया के एक और बड़े टूरिस्टी और हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन का जिसका नाम है नूसा पनीदा। अच्छा, तो जो लोग हमारी इस ट्रेवल जर्नी को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत समझते हैं, तो वो बखूबी वाकिफ होंगे कि इमी और तानी को ऑफ द बीटन पाथ पे जाना बहुत पसंद है। किसी भी मुल्क की, किसी भी नई जगह की रॉनेस, वहां की जो बिल्कुल सादा लाइफ होती है वो देखना अपनी आंखों से बहुत पसंद है। और इसीलिए जब कभी हमें मौका मिलता है किसी भी नई जगह को विजिट करने का, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वहां की जो बिल्कुल अनटच्ड जगहें हैं वो विजिट करें, ताकि हम उस जगह का प्योर एसेंस और वहां के जो असली कलर्स हैं वो अपनी आंखों से देख सकें। और इसीलिए हमने नूसा पनीदा को मुंतखब किया था अपनी इस पूरी आइटिनरी में जब हम लोग इंडोनेशिया पहुंचे थे। तो नूसा पनीदा न सिर्फ अपने खूबसूरत और नेचुरल लैंडस्केप्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से जाना जाता है, बल्कि उसके साथ साथ वहां पे मौजूद दुनिया के मोस्ट इंस्टाग्रामेबल वाइट सैंड बीचेस और थोड़ी सी ट्रेचरस और बदनाम जमाना हाइक्स की वजह से भी जाना जाता है। तो हमने अपने सफर की शुरुआत उबुद से की। तो उबुद से टैक्सी लेके हम लोग सबसे पहले फेरी पोर्ट गए। वहां पे कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारे हाथ में उन्होंने टिकट थमा दिए और वो टिकट दिखा के हम लोग बोट पे सवार हो गए, और फेरी ने तकरीबन 45 मिनट्स में हमें बाली से पहुंचा दिया नूसा पनीदा। तो अब से कुछ देर पहले हम लोग नूसा पनीदा के आइलैंड पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचने के साथ ही सबसे पहला काम हमने ये किया कि फेरी टर्मिनल के साथ ही एक बाइक रेंटल शॉप थी, वहाँ से जाके हमने बाइक हायर की है। वी आर फाइनली इन नूसा पनीदा, और सामान ये है हमारा। इनायस एट द फ्रंट, आई एम सिटिंग राइट एट द बैक। हमारा लगेज सामने वाली बाइक पे है। और बाइक हायर करने के बाद हमने चेक इन किया अपने होटल में, जाके सामान वामान रखा, और जहाँ हम लोग रुके हैं उस होटल का नाम बनाना हाउस है। और बनाना हाउस जो है वो फेरी टर्मिनल से मुश्किल से 8 मिनट दूर था। आदत से मजबूर हैं हम लोग, फौरन निकले हैं। We decided कि अब हम डायमंड बीच की तरफ जाएंगे। डायमंड बीच इज अबाउट 1 आवर फ्रॉम आवर होटल, और हमने यही सोचा था कि मुश्किल चीज़ आज कर लेते हैं, फिर कल के लिए दूसरी जो ज़्यादा करीब चीज़ें वो छोड़ देंगे। एंड इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी, और लोकल्स कह रहे हैं कि बी केयरफुल ऑन द बाइक, बिकॉज यहाँ की रोड्स काफ़ी नैरो हैं, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग रोड्स हैं, उसके अलावा पॉटहोल्स काफ़ी हैं, एंड वी आर ऑन द बाइक और हम 3 लोग हैं। सो आई होप इट गोज वेल, और कुछ 8 मिनट बाकी अभी भी हम रुके हैं, तो लेट्स सी कि जर्नी कैसी रहती है। और वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए। अगर मैं ये कहूँ कि नूसा पनीदा का ये सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा है और सबसे पॉपुलर बीच है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ पे आने से पहले रिसर्च कर रहे थे तो यही पता चला कि ये बीच नूसा पनीदा का अनडाउटेडली सबसे बेस्ट बीच माना जाता है। इसका नाम है डायमंड बीच, और डायमंड बीच जो है वो बिल्कुल नूसा पनीदा की जो ईस्टर्न टिप है उसके ऊपर मौजूद है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अलग फील है इस जगह की। जैसे अभी हमने कुछ दिन बाली में गुजारे थे, बाली के मुख्तलिफ टाउन्स में थे, हम लोग सेमनियाक में थे, चांगू गए थे, उसके बाद हम लोग उबुद गए थे, तो वहाँ पर हमने बहुत डिफरेंट साइड देखी थी इंडोनेशिया की, कल्चरल साइड, उसके अलावा यहाँ पे जो सर्फिंग लोग करना चाहते हैं, बैकपैकर्स हमने बहुत ज़्यादा देखे, उसके अलावा यहाँ पे जो बाली थीम रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, वो हमने सब कुछ देखा था। लेकिन अब जाहिर है सारी चीज़ें जो हैं एक ही वक्त में चेंज हो गई हैं, और जैसे ही हमने कदम अपना पहला रखा है आइलैंड के ऊपर, प्रॉपर इंडोनेशियन आइलैंड फील आना शुरू हो गई है। अच्छा, तो डायमंड बीच के बारे में 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से बता दूं कि 2018 तक यहाँ पे स्टेयर्स नहीं थी, और ये बाद में इन्होंने 2018 के बाद जो है ये लाइम स्टोन की मदद से यहाँ पे कार्व करके स्टेयर्स जो हैं बनाई हैं। तो जो लोग 2018 से पहले यहाँ पे आए थे वो बेचारे नीचे तक नहीं जा सकते थे बीच तक, उनको खाली एक्सेस ऊपर तक थी, तो यहाँ से वो नज़ारे खूबसूरत जो हैं डायमंड बीच के वो इन्जॉय कर सकते थे। और तकरीबन 20 मिनट की वॉक है, ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से आपकी फ़िटनेस के ऊपर इन्हिसार करती है वो सारी चीज़ कि आप कितनी देर में पहुंच सकते हो, कितने फिट हो। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे नूसा पनीदा में जितने भी बीचेज़ हैं यहाँ पे लहरें जो हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ के जो लोकल्स हैं वो रेकमेंड ये करते हैं कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, नॉन स्विमर्स ज़्यादा पानी में ना जाएँ, और
खास तौर पे पानी में जाते हुए या पानी से बाहर निकलते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतें, क्योंकि यहाँ पे रिप टाइड का बहुत डर होता है और खदशा होता है। There are 150 stairs ऊपर से नीचे तक। हम सोच रहे थे कि बहुत आसान होंगी, थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, बट इन फैक्ट बिल्कुल ही लाइक लाइमस्टोन जो है वो मेल्ट हुआ हुआ है। तो नूसा पनीदा थोड़ी देर पहले पहुंचे और सोचा नहीं था कि एक बीच तक पहुंचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे रस्सियाँ कूद के और रस्सियाँ पकड़ के रस्सियों की मदद से पत्थरों के ऊपर से फैलांग के जो है वो नीचे तक जाना होता है। एक हिस्सा जो है मुश्किल वो हमने कर लिए थे, लेकिन अब ये लास्ट स्ट्रेच है, कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। इनाय के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। Good job. You did it, Inaya. That's easy. तो फाइनली तकरीबन आधे पौन घंटे की तगोदौ के बाद हम लोग नीचे पहुंच गए बिल्कुल बीच के ऊपर। और बहुत मुश्किल रास्ता था, क्योंकि रास्ता तो मैं कहूंगा भी नहीं, शुरू में स्टेयर्स हैं, आधे रास्ते तक स्टेयर्स बनाई हुई हैं उन्होंने लाइमस्टोन को काट के, जो ये चट्टानें बड़ी बड़ी इनको काट के उन्होंने स्टेयर्स बनाई हैं। लेकिन बाकी का जो आधा रास्ता था जो बिल्कुल नीचे तक आता है बीच तक, वो बहुत मुश्किल था। और जितने लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे वो भी रो रहे थे और थक रहे थे, सांसें फूल रही थी। और सब ने जिस जिसने बच्चे को देखा हमारे साथ, इनाया को देखा, वो सब यही कह रहे थे कि यार हिम्मत है तुम लोगों की कि तुम लोग बच्चे को लेकर यहाँ पे कैसे आ गए हो। लेकिन हमने उनको यही कहा कि हम लोग आदी हैं, करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा हम लोग एहतियात करते हुए आए हैं, टाइम लिया हमने भले अपना, लेकिन इनाया है साथ तो इसलिए हम थोड़ा सा रुकते रुकाते आए। लेकिन बहुत मुश्किल था। अगर कोई भी आ रहा है तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, नंगे पाँव बिल्कुल ना आए। सो इधर आने का सफ़र ऑलरेडी बहुत मुश्किल था, एंड आई थॉट इट वुड बी इजी फ्रॉम देयर, लेकिन उसके बाद जो हमने पूरी हाइक की और हर चीज़ वो डबल मुश्किल थी, बट 100% वर्थ इट। इतना दूर अगर नूसा पनीदा कोई आ रहा है, लाइक यू वुडंट वांट टू मिस इट, नीचे आना बनता है, इफ यू कैन कम डाउनस्टेयर्स। अच्छा, ये जगह मुझे थोड़ी सी याद दिला रही है जैसे मेलबर्न में हम लोग जाते थे, ग्रेट ओशन ड्राइव है पूरी, बहुत मशहूर है। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो इवन ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते वो बखूबी वाकिफ होंगे, वहाँ पे 12 अपोसल्स हैं और 7 वंडर्स में भी उनका शुमार किया जाता है। और यहाँ पहुँचने के साथ ही मुझे उसकी याद आ गई है, क्योंकि ये जो काफ़ी बड़े बड़े क्लिफ्स से बने हुए वो बिल्कुल अपोसल्स नुमा लग रहे हैं। वन ऑफ अ काइंड बीच है, रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन नीचे पहुँचने के साथ ही सारी थकन वसूल हो गई है। So if there is one thing that we are loving about Indonesia is ke yahan pe har cheez hai, from natural beauty to culture, history, yahan ke log, yahan ka khana, har cheez bahut amazing hai, and it is definitely worth experiencing. Aur because yahan pe itne sare islands hain, agar aap 10 dafa bhi Indonesia aaye, there's no possible way that you would be able to experience all of them. और मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एटलीस्ट 10 दफ़ा आ चुके हैं इंडोनेशिया, एंड दे कीप कमिंग बैक। सो ये हमारी पहली ट्रिप है इंडोनेशिया की, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये हमारी सिर्फ स्टार्टिंग है, मतलब हम बार बार आएंगे, बार बार एक्सप्लोर करेंगे इन जगहों को। और ये रॉनेस, द फैक्ट दैट इट्स सो टूरिस्टी बट दे स्टिल रॉ प्लेसेस लाइक दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई वांट टू कम बैक। तो तकरीबन हमने एक डेढ़ घंटा जो है वो बीच के ऊपर स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और रास्ता वाकई में बहुत मुश्किल था, जाना जो है वो हमें मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हम लोग वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हुए तो कान पकड़ लिए। लेकिन इनाया ने माशाल्लाह बहुत हिम्मत दिखाई, सारी रस्सियाँ इस तरह की रस्सियाँ उन्होंने नीचे बांधी हुई कुछ दो तीन जगहों पर, और वो दो तीन जगहें जो थी ना उन्होंने पूरा एक एक कतरा जो था खून का वो चूस लिया। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, साथ खैरियत से हम लोग तकरीबन ऊपर पहुँच गए। पक्का रास्ता ही, इतना मुश्किल नहीं है, नीचे था सारा
जो मसला था। और ये मेरे पीछे व्यूज हैं खूबसूरत से डायमंड बीच के। अच्छा, डायमंड बीच की हाइक को मैं ज्यादा खतरनाक नहीं कहूंगा, लेकिन बच्चों के साथ वो हाइक बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की ऊंचाई से नीचे उतरना और फिर वापस उसी ऊंचाई के ऊपर आना बहुत मुश्किल काम था। और वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे वो सब हमसे यही पूछ रहे थे कि कैसे तुम लोग बच्चों के साथ ये सब कर रहे हो, हमने यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं देखा। हत्ता के वहां के जो लोकल्स, उन्होंने भी हमें यही कहा था कि हमने कभी भी 5 साल के बच्चे को ये हाइक करते हुए नहीं देखा। लेकिन ये सब करने का मकसद यही है कि हम इनाया को थोड़ा सा मजबूत बनाएं मेंटली और फिजिकली, ताकि उसको इन सारी चीज़ों से डील करना आ जाए। जब वो कल को बड़ी होगी तो उसको पता होगा कि मैं मेंटली और फिजिकली इतनी स्ट्रांग हूँ कि कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी मुश्किल अगर मेरे सामने आ जाए तो मुझे कैसे उस मुश्किल और परेशानी को हैंडल करना है। और यही मेन मकसद होता है उसको इस तरह की हाइक्स पे लेके जाने का। काफ़ी लोग जो हैं वो शिकायत भी करते हैं और कहते भी हैं कि आप लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र में हम गैर जिम्मेदार हों, लेकिन हमारी नज़र में हम जो अपने लिए कर रहे हैं या जो उसके लिए कर रहे हैं वो सही हो। क्योंकि सोफे पे बैठ के किसी की भी वीडियो देख के कमेंट करना और ये कहना कि आप लोग गैर जिम्मेदार हैं बहुत आसान है, लेकिन खुद अपने आप को उस मुश्किल में डाल के उस मुश्किल से बाहर निकालना जो है वो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो हम लोग करना चाहते हैं, खुद भी और इनाया को भी ऐसी ट्रेन करना चाहते हैं। तो डायमंड बीच की मुश्किल हाइक हमने बहुत इंजॉय की। थक हार के रात में जब हम लोग वापस होटल पहुंचे तो एक ही चीज समझ आ रही थी कि अभी सो जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि जो अगला दिन है वो बहुत इंटेंस होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमने 3 से 4 चीजें प्लान की हुई थी। सुबह बखैर नूसा पनीदा से। तो हम लोग सो के उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं। कोशिश ये होगी कि एक दिन में जितनी भी यहाँ की मेन पॉपुलर स्पॉट्स हैं, भले वो क्लिंग क्लिंग बीच हो या फिर क्रिस्टल बे हो, उसके साथ ब्रोकन बीच है, बहुत सारी जगहें हैं, तो ये सारी जगहें जो हैं एक ही दिन में कवर करें। क्योंकि कल हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे बाली से तो हमने शाम में डायमंड बीच की तरफ रुख किया था और बहुत ख़तरनाक किस्म की हाइक करके हमने पूरा वो नीचे तक गए थे बीच पर और बहुत मज़ा आया था, इन्जॉय किया था, लेकिन मुश्किल हाइक थी। क्लिंग क्लिंग बीच के बारे में जितने मैंने व्लॉग्स देखे हैं या थोड़ी बहुत रिसर्च की है तो लोगों ने यही कहा है कि पूरे इंडोनेशिया की सबसे ख़तरनाक ट्रैक है, सबसे मुश्किल हाइक है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये वहाँ जाके पहुँच के पता चलेगा। हेलो, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट इज दिस? False hai. False hai. Aur cherry do. Cherry? No, no, no. This is jewel. Thank you. Jaman. Jaman. Jaman hai, jaman. Thank you. तो हम लोग अभी रास्ते में थे, हम लोग जा रहे हैं क्रिस्टल बे, नूसा पनीदा की बहुत फेमस जगह है। और यहाँ पे रास्ते में बड़े खूबसूरत से नज़ारे हैं, दोनों तरफ जो है वो पाम ट्रीज लगी हुई हैं, एक तरफ जो है वो पूरे केले के बागात हैं। और यहाँ पे हमें स्कूल के कुछ बच्चे नज़र आए जो दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे और यहाँ पे कुछ तोड़ रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा आगे गुजरे, फिर वापस मोटरसाइकिल जो है घुमा के वापस आए, उनसे पूछा क्या तोड़ के क्या खा रहे हो, तो उन्होंने बताया ये है। तो ये बेसिकली जामुन है, छोटे वाले जामुन है, बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही मजे के हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, लास्ट टाइम आई ट्राइड दिस इन पाकिस्तान में थे, जामुन है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते जामुन। ओह सो हम क्रिस्टल बे पहुंच चुके हैं एंड आते ही हमने रिफ्रेशिंग मैंगो और बनाना का शेक मंगवा लिया है। तो क्रिस्टल बे अनडाउटेडली टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है इन नूसा पनीदा। बेसिकली ये 200 मीटर एक हिडन कोव है। अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज लाइक अ सीक्रेट बीच, बट अब आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और मेनली 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1, यहाँ पे बहुत सारी सन चेयर्स रखी हुई हैं, यू कैन रियली रिलैक्स, यू कैन गो फॉर अ स्विम। उसके अलावा यहाँ पे स्नॉर्कलिंग बहुत पॉपुलर है और लोगों ने ये कहा है कि व्हेन दे आर रिलैक्सिंग दे एक्चुअली ऑफन सी डॉल्फिन्स। तो इसी पानी में डॉल्फिन्स भी होती हैं एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर फिश जो सिर्फ जुलाई से लेके अक्टूबर पे इस पानी में आती है। इट्स कॉल्ड मोला मोला या सन फिश। 2-3 मीटर्स बड़ी वो फिश होती है और जो लोग यहाँ पे इस टाइम में स्नॉर्कलिंग जाते हैं दे ऑफन सी दैट फिश। तो हमने यहाँ पे गर्मा गर्म सिका हुआ भुट्टा मंगवाया और बिल्कुल वो पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है। बहुत मज़े का सिका हुआ है, बिल्कुल नरम है दाने और मीठे हैं।
और हल्का सा उन्होंने मेरे ख्याल से ऊपर जो है वो मक्खन लगाया हुआ है, उसके साथ कोई मसाला भी छिड़का हुआ है जिसकी वजह से बहुत मजे का लग रहा है, वही जायका आ रहा है जैसे हम पाकिस्तान में भुट्टे खाते हैं। तकरीबन आधा एक घंटा क्रिस्टल बे पे स्पेंड करने के बाद अब हम निकल गए हैं एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू ब्रोकन बीच। ब्रोकन बीच उस तरफ से तकरीबन 40 मिनट दूर है, लेकिन ऑनेस्टली इतनी पूरी रोड्स मैंने आई थिंक किसी और आइलैंड पे नहीं देखी। थाईलैंड में भी हमने बहुत एक्सप्लोर किया था, लेकिन द रोड्स हियर आर वेरी वेरी इंटेंस, वेरी नैरो, और गाड़ियाँ भी आ रही हैं हमारे सामने से, सो वी हैव टू बी सुपर स्लो एंड केयरफुल। सुबह जब हम जा रहे थे क्रिस्टल बे, हमें जामुन मिले थे ऑन द वे, बच्चे खा रहे थे, और यहाँ पे इस वक्त हमें कैरियाँ मिली हैं, द आम जो होते हैं, एंड देर आर सो मैनी, इस हद तक लगे हुए आम कि पूरे लाइक फ्लोर पे गिरे हुए हैं। ये लिटरली ऐसे गिरा है जैसे मेरे सर पे गिर जाना था अभी। वाओ, थैंक यू। क्रिस्टल बे नूसा पनीरा से तकरीबन 40 मिनट्स की बाइक राइड करके हम लोग पहुंच गए हैं एंजल्स बिलाबोंग। मेरे पीछे आप लोग ये जो रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये एंजल्स बिलाबोंग के नाम से जानी जाती है। अच्छा, एंजल्स बिलाबोंग के बारे में काफ़ी मिथ्स मशहूर हैं। यहाँ के जो बालिनीस हिंदू हैं उनका मानना यह है कि यहाँ पे एंजल्स बेथ करते हैं, नहाते हैं। इस पूरी जगह को काफ़ी होली और सेक्रेट भी मानते हैं यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं। यहीं से ब्रोकन हेड बीच का रास्ता भी है, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की हाइक है, तो हम लोग अभी वहीं जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ पे आके बैठे हैं ये भी एंजल्स बिलाबोंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर मतलब व्यू नज़र आता है पूरी इस जगह का, इस खूबसूरत से लुकआउट का। और ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे पानी थोड़ा सा आके जमा हुआ है, ये बेसिकली नेचुरली फॉर्म हुआ है, ये रॉक पूल है, और इसके अंदर खूबसूरत किस्म की कोरल्स हैं, रीफ है, उसकी वजह से वो मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे टर्कोइज है, एमरल्ड है, ये सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। सो जस्ट अबाउट 5 to 10 मिनट हाइक के बाद हम पहुंच चुके हैं ब्रोकन बीच। और ब्रोकन बीच एक टिपिकल बीच नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस बीचेस जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। दिस बीच हम सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं इसको, और ये यूनिक इसलिए है बिकॉज बेसिकली देयर इज अ होल, और जो पानी है इट इज़ लाइक टर्कोइज ब्लू, बहुत ही खूबसूरत रंग का पानी है। और जिस वक्त हम आए इट्स अराउंड 3 o'clock, तो मतलब जो शेड पर रहा ना पानी का, इट लिटरली लुक्स लाइक फोटोशॉप, दैट्स हाउ ब्लू इट लुक्स। और नीचे पूरे क्लिप्स हैं, कोरल रीफ नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी प्रेशर से वेव्स आ रहे हैं, सो इट मेक्स इट लुक लाइक अ पिक्चर परफेक्ट स्पॉट। लिटरली ये पोस्ट कार्ड वाली जगह लग रही है, एंड यू कैन एंजॉय इट फ्रॉम राइट वे वी आर स्टैंडिंग। या पूरा अराउंड इन्होंने एक वॉक भी बनाई हुई है, यू जस्ट वॉक अराउंड। नाउ द लास्ट चैलेंज ऑफ द डे, अब हम जाएंगे क्लिक क्लिक बीच की तरफ। अच्छा, एक बात मैं मेंशन कर देती हूँ कि नूसा पनीदा की सबसे आइकॉनिक साइट क्लिंकिंग बीच है। इफ़ देयर आर एनी फोटोज ऑफ नूसा पनीदा, वो क्लिंक क्लिंक बीच का जो टीरेक शेप का एक क्लिफ है वो सबसे फेमस है। एक चीज़ अगर किसी को नूसा पनीदा की करनी होती है वो सबसे पहले क्लिंकिंग बीच करते हैं। वी लेफ्ट इट फॉर लास्ट बिकॉज हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, सो वी वर लाइक वी हैव टू डू इट लास्ट। I'm so hype, बहुत ज़्यादा है इस जगह की, and it is the most difficult beach to get to, the most difficult hike। लोगों ने कहा है कि माउंट बतू जो यहाँ पे एक volcano है, even उससे difficult है उसकी hike, so let's make our way there। अच्छा, तो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये कहानी है एक ऐसे दिन की जिस दिन मैं तकरीबन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था, और ये एक ऐसा किस्सा है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत पॉजिटिवली चेंज किया है। तो एंजल्स बिलाबोंग और ब्रोकन बीच से तकरीबन आधे घंटे का बाइक का सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं नूसा पनीदा का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पॉट है, और ये मेरे पीछे जो है ये क्लिंक क्लिंक बीच है। और ये क्लिंक क्लिंक बीच जो है इसको टीरेक्स बीच भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये दूर से जो क्लिफ है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टीरेक्स है, जैसे डायनासोर की तरह का।
और इसके जो मायने हैं, जो लिटरल मायने हैं क्लिंक क्लिंक के लोकल जबान में, वो पिंकी फिंगर के हैं। जितने भी लोकल्स हैं वो कहना ये है कि ये पिंकी फिंगर की तरह का लगता है दूर से। तो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है नीचे पहुंचने में और फिर ऊपर आने में। इंतजार इनाया को मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि इनाया के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये करना। इसने कल डायमंड बीच हमारे साथ कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था इससे कि ये कर पाएगी, लेकिन इसने माशाल्लाह से कह लिया था। लेकिन ये आज वाली जो है कि ये मैं अकेले कर रहा हूँ। तो वो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जो भी नूसा पनीदा आता है उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो वहाँ का सबसे खूबसूरत तरीन बीच, जो क्लिंग क्लिंग बीच या टी रैक्स बीच के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाए। तो उस हाइक के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडोनेशिया की सबसे मुश्किल तरीन हाइक है। और उसकी मेन वजह यह है कि अगर आपको लुकआउट से नीचे बीच तक जाना है तो आप सिर्फ सीढ़ियाँ उतर के नीचे नहीं जा सकते। शुरू में कुछ सीढ़ियाँ हैं जो कि 5% हैं उस हाइक की, उसके बाद जो है पूरा कच्चा पथरीला और ट्रेचरस रास्ता है। ऐसा रास्ता है कि बच्चों के साथ या फिर बड़े बूढ़ों के साथ या फिर बीमार लोगों को मना किया जाता है कि आप जो है ये हाइक ना करें। और उस हाइक के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतनी ख़तरनाक है कि अगर आप नीचे चले भी गए बीच तक, जिसमें तकरीबन 1 से 1.25 घंटा लग जाता है, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की मुश्किल हाइक्स करने का, और ऊपर चढ़ने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जाहिर है वो इतना स्टीप और इतना वर्टिकल है कि एक आम आदमी के लिए सांस लेना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये एक ऐसी हाइक है जिसने मुझे वाकई में एक पॉइंट पर ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हाँ मियाँ कलमा पढ़ लो बस। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हाइक का, और यहाँ से शुरू होती हैं कुछ सीढ़ियाँ हैं शुरू में, और फिर उसके बाद आधे रास्ते के बाद सीढ़ियाँ वो देख सकते हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहाँ से ट्रेचरस रास्ता है, तो वो क्लाइम डाउन करके बेसिकली आप नीचे बीच तक पहुँचते हो। तो ये सब करना है अभी, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे भाई। तो पहला स्टेप ले लिया, इंशाल्लाह देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। 4:45 हो रहे हैं शाम के, और उम्मीद यही है, मैं एस्टिमेट ये लगा रहा हूँ कि तकरीबन 1 से 1 घंटे तक मुझे नीचे पहुँच जाना चाहिए इंशाल्लाह, अगर सब चीज़ें सही तरह से हुई और कोई कहीं किसी जगह मैं गिरा वेरा नहीं तो हम नीचे पहुँच जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, बैकपैक मैंने अपने साथ रख लिया है, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा लंबा है, हाइक लंबी है और स्टीप है काफ़ी, तो बैकपैक में पानी की बोतलें हैं और शूज़ हैं अगर पहनने पड़े, ट्रेनर्स बस। अच्छा, तो ये है रास्ता। तो ये अभी शुरू में सीढ़ियां हैं कुछ। अच्छा, नीचे जाना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन असल जो गेम होगा वो ऊपर आने में होगा, मुझे लग रहा है ना ऊपर आने में मज़ा आएगा सही। कितनी देर लगी आपको नीचे पहुंचने में ऊपर से? अच्छा, हो मैंने इसका भी आराम हो रहा था। अच्छा सही, तो सही। नहीं आपने बहुत अच्छा किया, पहुंच गए बस यही है ऊपर। कोई नीचे ना स्टेज है ना, बस ये नहीं है, नीचे पहाड़ है। ओह अच्छा अच्छा, तो ऊपर से बोट है, उसको काट के उन्होंने बनाया हुआ है ना। सही, ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्रिप इंपॉर्टेंट है, पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे एक भाई मिले, इंडिया से उनका ताल्लुक था, हिमांशु नाम था, तो कह रहे थे कि नीचे जाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऊपर आना जो है ना वो सारा गेम है। सारी जो आपकी हाइकिंग स्किल्स हैं, जो ट्रैकिंग स्किल्स हैं, वो टेस्ट हो जाती हैं ऊपर आने में, क्योंकि जाहिर है एक तो वर्टिकल क्लाइंब है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, स्टीप बहुत है, तो इसलिए। तो अल्लाह अल्लाह करके मैंने सफ़र शुरू किया। शुरू में मैंने यही देखा कि काफ़ी लोग जो हैं जहाँ पर शुरू में उन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं वहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ज्यादा लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे नीचे जाने की, क्योंकि बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता वो कैसी हाइक है कि पहाड़ के ऊपर लुकआउट है और पहाड़ से आपको नीचे उतर के जाना है, और नीचे उतरने का जो रास्ता है और चढ़ने का जो रास्ता है वो कोई पक्का रास्ता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं इस तरफ, और यहाँ से जो है वो पथरीला रास्ता है। भाई जो मुझे पीछे मिले थे वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि अगर आप ट्रेनर्स पहन के आएँ या शूज़ पहन के आएँ स्नीकर्स टाइप के, ताकि ग्रिप थोड़ी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास थे नहीं, मेरे पास मैराथन रनर्स हैं और उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जब मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचा हूँ, और जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पे बिल्कुल कच्चा सा रास्ता था, पत्थर पड़े हुए थे, मिट्टी थी। मुझे नहीं पता कैमरे में इस वक्त नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये पूरा जो है ये पानी नहीं है, स्वेट है, पसीना है,
मैं पसीने में बिल्कुल शराबोर हुआ हूँ इस वक्त, और लिटरली इतनी सी जगह है चलने की। मैं दिखा देता हूँ, ये जगह है बस, ये रास्ता है, ये क्लिफ है, खाई है, नीचे गए तो गए, और दूसरी तरफ भी खाई है, उस तरफ भी पानी है, और बस ये छोटी सी ट्रैक बनी हुई है जिसके ऊपर चलना है। तो वाकई में बच्चों के लिए नहीं है ये जगह बिल्कुल भी, फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिनको एक्रोफोबिया है, हाइट का डर है, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और बड़े बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ये ख़तरनाक किस्म का सफ़र, इससे खतरनाक हाइक मेरा नहीं ख्याल मैंने अब तक अपनी जिंदगी में की है। खैर, मैं अल्लाह ताला का नाम लेता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन एक गलती जो मुझसे हुई वो ये कि मुझे ये देखना चाहिए था कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा पाथ नीचे बीच की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं वहाँ के व्यूज में, उस जगह की खूबसूरती में इतना गुम हो गया था कि मैंने ध्यान नहीं रखा कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि एक राइट पे छोटा सा टेंट था, और वहाँ पे जाहिर है इंडोनेशिया में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है, रॉ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने कोई साइंस नहीं लगाए हुए हैं बताने के लिए कि ये रास्ता जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और वो मुझसे मिस हुआ। मुझे यही लगा कि यही रास्ता जा रहा है सीधा, और इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पे लोग भी नहीं थे, दो लोग थे जिनको मैंने क्रॉस किया था। अच्छा, वो लोग जो है वो मेरे ख्याल से नीचे नहीं जा रहे थे, वो बस उस पॉइंट पे आके रुक गए थे, तो मुझे यही लगा कि ये भी सीधा ही जाएंगे। तो वहाँ से हमने शुरू किया था वो टॉप से, और अभी मुश्किल से आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, और ये है रास्ता। सीढ़ियाँ बहुत पहले ख़त्म हो गई थी जहाँ पे लोग स्लो हुए हैं, और फिर वहाँ से इस तरह का ये पथरीला सा बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, ये इतना इजी नहीं है, और नीचे और मुश्किल हो रहा है, और यहाँ से हमें जाना है उस तरफ जहाँ पे वो लोग हैं। या अल्लाह। तो मैं बस सीधा चलता गया, और जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गया हूँ, तकरीबन मैंने 5 मिनट की मजीद हाइक की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है, ना कोई नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ रहा है, ना कोई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे जहन में ये भी था कि नहीं, सबने यही कहा है कि हाइक बहुत खतरनाक है, रास्ता बहुत खतरनाक है, तो यही रास्ता होगा, क्योंकि इससे खतरनाक तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, तो वहां पे भी यही हुआ। अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरे जहन में और मेरे दिल में क्या बात डाली कि मैं वहीं पे बैठ गया, क्योंकि जगह इतनी तंग थी कि मैं मजीद नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा था। मुझे यही हो रहा था कि मैं अगर खुदा ना खासा एक और कदम आगे की तरफ लूंगा तो मेरा पांव स्लिप होने का डर है, और मैं गिर सकता हूं, और गिरा तो खत्म। और वहां से ऊपर जाने का रास्ता जो है वो और खतरनाक था, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके मैं नीचे तक तो पहुंच गया था, लेकिन मुझे ऊपर जाने के लिए और मजीद डर लग रहा था। और मेरे पास जो है वो मैराथन रनर्स थे, तो मैं मैराथन रनर्स जो है वो बैग में रखे गया था, लेकिन एक ट्रेल सैंडल्स होती हैं, हाइकिंग सैंडल्स होते हैं, वो पहन के गया था, तो वो थोड़े से नए थे, तो वो नए होने की वजह से हल्का सा स्लिप हो रहे थे, बजरी थी, क्योंकि बजरी चिकनी होती है, वो चिकनी बजरी के ऊपर जो है वो स्लिप हो रहे थे, तो मैंने वो उतारे, और मैं फिर नंगे पाँव जो है अल्लाह अल्लाह करता हुआ, जितनी दुआएं मुझे याद थी उस वक्त मैंने सारी दुआएं पढ़ ली थी, हत्ता कि मैंने कलमा भी पढ़ लिया था कि खुदा ना खासा ऊंच नीच का कुछ नहीं पता होता, और जिस तरफ मैं आ गया हूँ, जिस पाथ पे मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ से मैं वापस जा सकता हूँ ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और क्रॉल करता हुआ ऊपर की तरफ आया हूँ, क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक थी कि मैं खड़े होकर वहाँ पर नहीं आ सकता था, एक छोटी सी गलती और मैं नीचे गिरता और ख़त्म हो जाता। तो मैं क्रॉल करता हुआ ऊपर आया हूँ, और जब मैं 5-6 मिनट क्रॉल करके ऊपर आया हूँ तो मुझे 2-3 लोग नज़र आए हैं, और फिर मेरी नज़र पड़ी कि एक छोटी सी गली बनी हुई है, छोटा सा पाथ बना हुआ है, बिल्कुल छोटा, इतना छोटा कि एक नया बंदा जो पहले कभी इस जगह ना आया हो तो उसके लिए बहुत आसान है उस जगह को मिस कर देना, जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने 2-3 कदम आगे लिए हैं, और जैसे ही मैंने 2-3 कदम आगे लिए, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ बैलेंस हुआ, और मेरा पाँव जो है, सीधा पाँव जो है, राइट लेग, ये थोड़ी सी फिसली है पीछे की तरफ, तो मुझे ये लगा कि अब मैं गया, लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि वही वाली बात है ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो पत्थर थे जमीन के अंदर, जो बड़े से पत्थर होते हैं, तो उस पत्थर को मैंने मजबूती से पकड़ा दोनों हाथों से कस के, और अपना पूरा बॉडी वेट जो है मैंने वो ट्रांसफर किया उसके ऊपर, और अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता रींगता रींगता मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां से बाकी सब लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। तो तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है, और आधी से ज़्यादा मैंने हाइक कर लिया है, लेकिन वॉच योर स्टेप, वेरी ट्रेचरस, नॉट ईजी एट ऑल, बहुत मुश्किल हाइक है। और इस हाइक की डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे उन्होंने जो बांस होते हैं वो बांधे हुए एज ए रेलिंग के तौर पे, ताकि लोग इनको पकड़ के थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकें, और रस्सियाँ बांधी हुई हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे स्टेप्स नहीं है, मिसिंग है, तो रस्सी की मदद से आप ऊपर या नीचे जा सकते हो। तो ये है हिसाब किताब यहाँ पे, ये देख रहे हैं,
अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, मैं ये सोच सोच के अपनी हिम्मत हार रहा हूँ कि ऊपर कैसे आऊँ। तो वो उस तरफ जो है वो बीच है फ्लिंग फ्लिंग, और यहाँ पे लोग जो है हाइक करके आ रहे हैं। ओहो, आप आ जाएं ऊपर, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए आसान है, आपके लिए मुश्किल है। एक्चुअली उतरना मुश्किल है। अच्छा, इतना इजी हो जाता है, थोड़ा थकान लग जाता है। चले, आपने हौसला दे दिया थोड़ा ये कह के। बताएगा बस, मस्त है, करना इजी है। अच्छा चलो यार, ये अच्छा है। अच्छा, जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो फाइनल स्ट्रेच है यहाँ पे इन्होंने थोड़े से ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो इससे ये होता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, पाँव रखने की जगह मिल जाती है। लेकिन ये सोच सोच के डर लग रहा है कि ऊपर कैसे आऊँगा यार। लेकिन बीच जो है वो बिल्कुल सामने है, तो इतना दूर नहीं है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट की हाइक रहती है। How much longer do you reckon? Oh, not much at all left. You're like almost there. Oh, okay. Ooh. तकरीबन एक घंटे की हाइक के बाद, पसीने में लोटपोट होने के बाद मैं नीचे पहुंच गया हूं। बहुत अच्छी फीलिंग है। कहते हैं ना, जब कोई मुश्किल काम कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत अकॉम्प्लिश फील करते हैं, बिल्कुल वही वाली फीलिंग महसूस हो रही है। बहुत मुश्किल हाइक थी। अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल हाइक नहीं की और इतना खूबसूरत बीच नहीं देखा तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सारी जो थकन थी, सारी जो मेहनत थी, वो वसूल हो गई है एक सेकंड में नीचे आते के साथ ही। लेकिन ये एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाकया है जो मेरे साथ पेश आया इंडोनेशिया में। वही वाली बात है कि कभी कभार आप सोचते नहीं हो, आपको पता नहीं होता कि आपकी छोटी सी गलती जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो मेरी गलती यही थी कि मुझे अपने होशो हवास में रहना चाहिए था, मुझे अपने इर्द गिर्द लोगों को मुस्तकिल देखते रहना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। और मज़े की बात ये हुई कि जब अल्लाह अल्लाह करके मैं नीचे पहुंचा हूँ आखिर में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं स्टेट ऑफ शॉक में था। अच्छा, हमने बहुत हाइक्स की हैं, हम न्यूजीलैंड जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने बेतहाशा हाइक्स की हैं और काफ़ी मुश्किल मुश्किल हाइक्स भी की हैं, लेकिन ये हाइक जो है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे ख़तरनाक और सबसे सबक आमोज हाइक थी। अच्छा, समंदर जो है बहुत रफ है इस वक्त, और यहाँ पे जितने भी लोकल्स बैठे हुए हैं सब यही कह रहे थे कि यहाँ पे अभी पानी में मत जाएं, और इवन स्विमर्स को वो मना कर रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि रिप टाइड है। तो रिप टाइड में ये होता है कि पानी में जाते वक्त और निकलते वक्त जो है वो पानी अपनी तरफ खींचता है आपको। पाँव मैंने गीले कर लिए हैं थोड़े से, कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि वेस्ट है पानी तक जाऊँ, बस ज़्यादा पानी में ना जाऊँ। और यहाँ पे इसीलिए सारे लोग जो हैं वो साहिल पे ही हैं, कोई ज़्यादा पानी में नहीं जा रहा है। एक जो लेसन मैंने लर्न किया इस हाइक से वो ये है कि कभी कभार हम लोग मायूस हो जाते हैं बहुत जल्दी, और हम गिव अप कर देते हैं, और इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस अब यहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो नामुमकिन है। लेकिन जब मेरे साथ ये पूरा वाकया पेश आ रहा था, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि नहीं, तुम यहाँ तक आए हो तो तुम यहाँ से वापस भी जा सकते हो, भले तुम्हारा पाँव स्लिप हो, भले कुछ भी हो। और मैं वहाँ पे 8 से 10 मिनट जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठा था कि जैसे मेरे पे सकता तारी हुआ हुआ है। बस मैं उस वक्त आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस मुश्किल में डाला और आप ही निकालेंगे मुझे इस मुश्किल से। तो वही हुआ कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हौसला दिया, और मैं किसी ना किसी तरह से वापस उस पॉइंट तक पहुँच गया जहाँ से मुझे नीचे की तरफ जाना था। So after probably one of the two most intense days of our travels, hum aaj ka vlog finish kar rahe hain. Kal hum yahan pe aaye the at Nusa Penida. When we were getting here, mujhe bilkul idea nahi tha ki agle 48 hours itne intense honge. It was honestly very very intense, very very shocking.
डायमंड बीच की हाइक मेरे लिए बहुत इंटेंस थी एंड देन तानी डिड द नूसा पनीदा क्लिंग क्लिंग बीच टुडे. जो लोकल्स थे उन्होंने यही कहा था कि बच्चे मतलब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे नीचे जाएं बिकॉज कोई स्टेयरकेस नहीं है. लाइक मोर देन हाफ वे इज लाइक आपको बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग करके नीचे जाना है एंड इट्स वेरी वेरी स्टीप, तो बच्चों के साथ कम्प्लीटली अनसेफ है. सो इसीलिए हम ऊपर रुक गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर रुक गए बिकॉज तानी जब ऊपर आया है उसकी ऐसी हालत थी, आई वॉज लाइक वो. एंड द अदर थिंग इज़ कि इसको ऐसे लोग मिले थे ऑन द वे देयर दैट ही स्टेड विद एंड ही वॉज हेल्पिंग देम आउट बिकॉज वो अकेले थे एंड दे वर रियली 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 स्ट्रगलिंग टू गेट अप. सो इसीलिए तानी को आई थिंक 2 hours लगे आने में. सो राइट नाउ वी आर एट अमोक. ये एक्चुअली एक बीच क्लब टाइप ऑफ कैफ़े है. इट हैज़ द मोस्ट स्टनिंग व्यू और इस वक्त इन्होंने बेसिकली फेरी लाइट्स जलाई हुई हैं. देर इज़ वेरी नाइस म्यूज़िक और यहाँ पे हम डिनर करने आए हैं आफ्टर ऑनेस्टली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेज. और मेरे पीछे दीज आर लाइक ट्री हाउसेज, तो ये रेस्टोरेंट में ही हैं. यू कैन एक्चुअली जस्ट हायर वन ऑफ दीज ट्री हाउसेज और इस पे बैठ के सनसेट देख सकते हैं, एन्जॉय द म्यूज़िक, हैव योर फूड. और इसी इंटेंस आई थिंक क्रेजी नोट पे हम आज का व्लॉग फिनिश करेंगे. इट वाज ऑनेस्टली वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंसेस वीव हैड. इंडोनेशिया हमें बहुत सरप्राइज कर रहा है एंड नूसा पनीदा इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. सो इसी नोट पे हम आज का व्लॉग फिनिश करेंगे. वी रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस क्रेजी एडवेंचरस फन व्लॉग. मेक श्योर करें कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.